नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मानवता हुई शर्मसार, चाचा अपने नाबालिग भाई, नाबालिग भतीजी व भतीजे के साथ करता रहा शारीरिक शोषण। सागर जिले के गढ़ाकोटा थाने एक रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी ने अपने ही नाबालिग भाई, अपने चाचा के नाबालिग लड़के और उसकी बहन के साथ एक साल से शारीरिक शोषण कर रहा था। हाल ही जब इस कृत्य की जानकारी पीड़ितों और उसकी माता को लगी, तो पीड़ित की माता पिता ने विशेष किशोर इकाई प्रभारी श्रीमती ज्योति तिवारी एवं चाइल्ड हेल्पलाइन को फ़ोन कर बताया कि एक साल से उनके बच्चों के साथ शारीरिक शोषण कर प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही आरोपियों के पालकों द्वारा रिपोर्ट ना करने की धमकी दी जा रही है। मैडम, हमारी मदद कर दो। दिनांक 2 अक्टूबर को विशेष किशोरी इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर दिनांक 2 अक्टूबर को विशेष किशोर इकाई व चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा पीड़ित परिवार से मिलकर बातचीत की, तो पता चला कि बच्चों के साथ पिछले एक साल से अप्राकृतिक कृत्य हो रहा है, जिसे बच्चों ने 10 दिन पहले ही अपनी मां को बताया। मां के द्वारा 1098 पर फ़ोन करके मदद मांगी। फ़ोन पर सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम द्वारा इसकी सूचना विशेष किशोर पुलिस इकाई के ज्योति तिवारी को दी गई, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक सागर को दी गई, जिसके आदेश के बाद दिनांक 3 अक्टूबर को टीम द्वारा ग्राम संजरा थाना गढ़ाकोटा आकर फरियादी पक्ष को थाने में ले जाकर आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया और तुरंत ही आरोपी गिरफ्तार किए गए। इसकी कार्यवाही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने सोनम रजक, धर्मू पटेल और ड्राइवर मुकेश यादव शामिल थे। सागर गढ़ाकोटा से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, कहाँ की है, क्या मामला है? ये गढ़ाकोटा थाना के अंतर्गत ग्राम संजरा है, वहाँ की घटना है। और एक पिता के द्वारा हमें 10/08 पे, जो कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है बच्चों से संबंधित, इस पे कॉल आया था कल कि हमारे बच्चों के साथ घर के ही परिवार के कुछ लोग कई दिन से, दोनों बच्चे, एक लड़की जिसकी उम्र 9 साल है और एक लड़का जिसकी उम्र 8 साल की, दोनों के साथ कई दिन से अप्राकृतिक कृत्य कर रहे हैं। और वो मदद के लिए उन्होंने हमारे लिए फ़ोन लगाया था। तो इसकी सूचना मिलते ही हमने सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी जानकारी दी और सर के आदेश पर हम जैसे ही यहाँ गढ़ाकोटा थाने आए और थाने से उस परिवार से जाके मिले, जब उन बच्चों ने हमें ये कहानी सुनाई कि उनके साथ इस टाइप की घटना कई दिन से उनके सगे चाचा के लड़के कर रहे हैं, तो हमने तुरंत इसकी लिए TI सबको बताया और SDOP सर को भी इसकी जानकारी दी। और इन दोनों लड़कों को पुलिस ने उठा भी लिया, गिरफ्तारी भी दोनों की हो गई है और इसमें FIR भी दर्ज हो गई है।